एक काम करते हैं, अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम डिनर पे क्यों नहीं मिलते हैं, आज की शाम तुम्हारे नाम। ओके बाय। इसे काबू में रखना जरूरी है कुछ अरसे तक, बर्दाश्त करना होगा मुझे, मगर अब रोशना से कैसे मुलाकात हो, क्या बहाना करूं। मैं नोफिल, गुल के बचपन का साथी, हम पड़ोस में ही रहता है। और मैं आफाक। जी मैंने पहचान लिया, ये रुशना है मेरी फियांसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आफाक भाई आपकी क्या मसरूफियात है? नहीं इसकी तो कोई खास मसरूफियात नहीं है, बस दफ्तर से घर और घर से दफ्तर, और इसका तो कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। नहीं मेरा मतलब आफाक भाई आप अपनी कोई हॉबीज वगैरह बताए ना। मुझे अम्मी के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है, बाहर घूमना फिरना कोई उसका खास शौक नहीं मुझे। अम्मी के लिए कुकिंग भी करता हूँ कभी कभी। वाओ आप कुकिंग भी कर लेते हैं? हाँ हाँ आफाक तो बहुत अच्छी कुकिंग करता है, और स्पेशली बारबेक्यू तो बहुत ही अच्छा बनाता है। जबरदस्त भाई, हमें जाना चाहिए इनकी तरफ बारबेक्यू खाने। मोस्ट वेलकम। आफाक भाई प्लीज आप ना नोफल को भी कुछ सिखा दे, इसे तो ना चाय भी बनानी नहीं आती। अरे झूठ क्यों बोल रही हो, मैं खुद तुम्हारे पास 3-4 दफा चाय बना कर लाया हूँ। नहीं अच्छा जी, उस इतनी बुरी चाय को ना मैं चाय नहीं मानती। क्या बोल रही हो रिश्ता। अच्छा छोड़ो इस बात को, आफाक भाई आपको पता है हमारी गुल भी बहुत अच्छी कुक है, आपका और उसका कुकिंग का कंपटीशन रहेगा। इससे याद आया, गुल है किधर, उसे लेकर आओ। अब हाँ अभी लाइए। लो आ गई हमारी गुल। आफाक भाई ये है हमारी गुल, बैठो। अब अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ये गुल है इतनी प्यारी, पहचानी ही नहीं जा रही। कहाँ जा रही हो? अम्मी वो बाहर सारा आई, मैं बस बुक्स लेकर आ रही हूँ। अरे घर में मेहमान आए हुए, कोई वक्त था सारा को बुलाने का? अम्मी मैं बस 2 मिनट में आई। चीप लड़की है ये तो।